वहीं झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के बागी नेता चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने का रास्ता अब साफ हो गया है। कल चंपाई सोरेन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। चंपाई के साथ उनके कुछ समर्थक नेता भी थे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अमित शाह और चंपाई सोरेन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। चंपाई सोरेन को जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया उससे वो हेमंत सोरेन से नाराज हैं और इसके बाद ही उन्होंने बगावती तेवर अपनाया और अब चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसे हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के बागी नेता चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने का क्योंकि अब रास्ता साफ हो गया है। तो कल की ये तस्वीरें जब चंपाई सोरेन ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और चंपाई के साथ उनके कुछ समर्थक भी मौजूद थे और ये तस्वीरें अमित शाह के साथ दिल्ली में मुलाकात की और चंपाई सोरेन की इस मुलाकात में कुछ समर्थक चंपाई सोरेन के भी वहां पर मौजूद थे। अमित शाह के साथ दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। तो 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन, ऐसा कहा गया। चंपाई सोरेन को जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया उसके बाद से बहुत बड़ा झटका हेमंत सोरेन के लिए भी माना जा रहा है।